हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारती और मैं लाई हूँ आज आपके लिए हिस्ट्री का न्यू चैप्टर। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, यानी यूरोपीय कंपनी भारत में कैसे आई, कब आई, ठीक है, किसका इम्पैक्ट कितना रहा, किसने क्या रोल प्ले किया, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है यानी 18वीं शताब्दी से पहले 1700 के आसपास, यानी ये मान लीजिए कि 1600 के बाद का जो डिवीज़न है ना, वो मध्यकाल और आधुनिक काल का कुछ हिस्सा इसे कॉमन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये उठती है कि क्या यूरोपीय कंपनियाँ केवल भारत में ही व्यापार करने हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यूरोपीय कंपनी जितनी भी हैं पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग देशों में अपना व्यापार करने गई थी, ठीक है। कहा जाता है कि वर्ल्ड में एक ऐसा दौर आया था जब हर साइड नकारात्मक था, यानी नेगेटिव एनर्जी फैल चुकी थी, यानी पॉजिटिव एनर्जी हर इंसान के अंदर ख़त्म हो चुकी थी पूरी तरह से, ठीक है। लंबे टाइम तक ये सब चला, लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चली, उसके बाद काफ़ी टाइम निकलने के बाद एक बार फिर से इंसान जागा, यानी पुनर्जागरण काल आया, एक बार फिर से इंसान ने क्रिएटिविटी के मार्ग पर चला, ठीक है। तो हर इंसान ने कुछ नया करने का सोचा, कुछ अलग करने का सोचा, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे अगर क्रिएटिविटी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर किसी कोई समाज है, कुछ भी मान लीजिए आप, अगर उसमें इंटेलिजेंसी है एंड क्रिएटिविटी नहीं है तो उसका विकास होगा क्या? नहीं होगा। तो क्रिएटिविटी के साथ, इंटेलिजेंसी के साथ साथ क्रिएटिविटी का होना भी उतना ही ज़रूरी है। इंटेलिजेंसी प्लस क्रिएटिविटी इक्वल टू डेवलपमेंट, ओके। तो जब इंसान क्रिएटिविटी के मार्ग पर जाएगा तो डेवलपमेंट तो होगा, तो इसका मतलब है कि इंसान एक बार फिर से जागा, यानी इंसान ने कुछ नया करने का सोचा, उस काल को हम कहेंगे पुनर्जागरण काल, यानी फिर से एक बार पुनर्जागरण काल आया, जिसको इंग्लिश में रेनेंसा का नाम भी दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? रेनेंसा। तो मैं एक हल्का सा एक रफली मैप बना के दिखाती हूँ, वैसे वर्ल्ड के मैप में आपने देखा होगा, तो हम जियोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, इससे हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये है यूरोप, ओके, यूरोप एंड ये मान, तो उस टाइम ना क्या हुआ था, ये इधर टेक्नोलॉजी का ना, ये मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी का इनोवेशन जो हुआ था ना, वो सबसे पहले यूरोपीय कंट्रीज में ही हुआ था, यानी यूरोप में सबसे पहले हर चीज़ का डेवलपमेंट, जो इनोवेशन होता है, वो सबसे पहले यही हुआ था। मान लीजिए ये मैंने आपको एक रफली बना दिया है, ये यूरोप है, ठीक है, ये उसके देश हैं, ये इस टाइप से, यहाँ इसकी खासियत है इनके देशों की कि पानी सा भरा हुआ है, यानी चारों साइड ना, हर देश के चारों साइड सागर टाइप है, ओके। ये देखिए, तो यहाँ मैंने, यहाँ जगह कम है, यहाँ बना देती हूँ मैं, समझने के लिए बना रहे हैं, ओके। ओके, यहाँ ये हो गया हमारा यूरोप, ये नॉर्थ अमेरिका, एंड इधर बना देते हैं, दिस इज साउथ ऑफ अमेरिका, ओके, एंड सेकेंड लार्जेस्ट अफ्रीका, एंड फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, जहाँ हम बैठे हुए हैं, ओके, एंड इधर बना देती हूँ, यहाँ एंटार्क्टिका, इस टाइप से कुछ, ठीक है, एंड ये इस टाइप से कुछ, ये बना देते हैं ऑस्ट्रेलिया, ओके, ठीक है। ये ना एंटार्क्टिका साइंस को डिवोटेड एरिया है, यानी श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं इसे, यहाँ केवल साइंटिस्ट ही रिसर्च करने के लिए जाते हैं, बाकी कोई नहीं जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा यूरोप, एंड सेकंड इज वन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड एंटार्क्टिका, एंड लास्ट ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो यूरोप में क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका समझने के लिए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया एंड एंटार्क्टिका, लास्ट ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो यूरोप में क्या हुआ, जब पुनर्जागरण काल आया ना, यहाँ से समझते हैं हम, पुनर्जागरण काल आया ना, तो हर इंसान ने क्रिएटिविटी के मार्ग पर चला, और जब वो क्रिएटिविटी के मार्ग पर चला तो डेवलपमेंट भी हुआ। तो यहाँ ना
उस टाइम बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई, यानी कोई बड़े बड़े जो देश थे तो बड़ी बड़ी कारखाने खोले गए, मशीनें बनाई गई नई नई, ये मान लीजिए उस टाइम बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई, नए लिटरेचर लिखे गए, ठीक है, बहुत अच्छे राइटर्स हुए, साहित्य रचा गया एंड सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारा लोगों ने यात्राएं करना स्टार्ट की, नई नई देशों की खोजें की, तो ये ना उस टाइम एक डेवलपमेंट था, ठीक है। तो उसी टाइम अब अगर बड़े देशों में कारखाने खुल जाते हैं तो मशीनें, यहाँ मशीनें बनने लगें, क्या है ना कि टेरिटरीज बहुत छोटी थी, ठीक है, एरिया कम था, तो कारखाने बन गए, कच्चा माल कहाँ से लाएं, ठीक है। तो इन लोगों के पास कच्चा माल नहीं था, यानी रॉ मटेरियल नहीं था, ठीक है, मशीनें लग चुकी हैं, रॉ मटेरियल है नहीं, तो विदेशों में जाके, दूसरे देशों में जाके क्या व्यापार करना होगा। तो यहीं इसी टाइम पर दो देशों के अलग अलग राजाओं ने एक डिसीज़न लिया, यानी मान लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ स्पेन, ठीक है, एंड एक है पुर्तगाल, ठीक है। तो दो देशों के अलग अलग राजाओं ने, स्पेन एंड पुर्तगाल ने डिसीज़न लिया कि हमारे यहाँ की देश की जनता को बाहर भेजते हैं। उन्होंने जनता को ऑर्डर दिया, वहाँ की जो जनसंख्या थी उन लोगों को बोला कि भाई बाहर जाइएगा और व्यापार करिएगा, ठीक है, नए नए देशों की खोज करिएगा, सारा जो खर्चा होगा वो हम उठाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से कई लोग निकलते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से, ठीक है। तो इसी तरह दूसरे देश में व्यापार की खोज में भारत को ढूंढने निकला एक आदमी निकलता है। हिस्ट्री को ना हमको एकदम बाय हार्ट पढ़ना है, एकदम हिस्ट्री को समझ के स्टोरी की तरह, ऐसे एक कहानी पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, इस तरीके से पढ़ना है। जब हिस्ट्री को हम एक कहानी की तरह पढ़ेंगे ना तो समझ में भी आएगी और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो फैक्ट समझ में नहीं आएंगे, इसलिए इसको एकदम बाय हार्ट पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ से ना आगे चलते हैं, एक आदमी जाता है तो वो इंडिया की खोज में जाता है। इंडिया को क्या पहले से ही सोने की चिड़िया बोला जाता था, ठीक है, क्या बोला जाता था, सोने की चिड़िया। तो इंडिया की खोज में जाता है, पृथ्वी चूंकि गोल थी, ठीक है, गोल है, तो इंडिया का पता नहीं चला, तो इंडिया को खोजते खोजते ना वो पहुंच जाता है नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती इलाके पर, ठीक है, ये दिख रहा है आपको नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती इलाके को। इसने सोचा कि मैंने इंडिया खोज लिया, लेकिन पहुंच कहाँ गया, नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती इलाकों में। आज भी इस जगह को, ये जो इलाका है नॉर्थ अमेरिका का, उसको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। अब अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए ना कि रेड इंडियन इसका नाम है, ये जाति, ये प्रजाति इंडिया में नहीं मिलती है, अगर ये पूछ लिया जाए, कभी कभी पूछ लिया जाता है रेड इंडियन की प्रजाति कहाँ मिलती है, तो ये इंडिया में नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है, ये नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती इलाकों में मिलती है, ठीक है, यानी ये इंडिया यहाँ खोजा नहीं गया। अब एक ये देख रहे हैं आप, ये जो दिख रहा है यहाँ पानी भरा हुआ, यानी ये इस, ये जो है ना ये अटलांटिक महासागर, यानी एस की आकृति का है, ठीक है, जो साइज टाइटेनिक शिप था ना वो भी इसी अटलांटिक महासागर में डूबा हुआ था, और कई सारे फाइटर प्लैनेट्स जो हैं वो भी यहाँ बरमूडा त्रिभुज भी है, ठीक है, इसी में, तो जिसमें कई सारे फाइटर प्लैनेट्स भी, जो प्लैनेट्स थे वो भी इसी में गायब हुए थे, एंड अमेरिका के कई सारे फाइटर प्लैनेट्स भी यहीं गायब हुए थे। ये आयरलैंड के आसपास आता है, हम अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ ज्योग्राफी में बताया जाता है, लेकिन हम आते हैं अपने टॉपिक हिस्ट्री पर आते हैं हम लोग। तो ये ना अटलांटिक महासागर है, ठीक है, तो यहाँ से होता हुआ एक आदमी फिर से आता है, इंडिया की खोज में आता है, तो इसी रूट को पकड़ते हुए आते आते पहुँच जाता है अफ्रीका के लास्ट पॉइंट के टिप पर। ओके, कहाँ पहुँच जाता है, लास्ट पॉइंट पर, इंडिया का रास्ता नहीं खोज पाता है, अफ्रीका के लास्ट टिप तक पहुँचता है। इस इंडिया के लास्ट टिप तक पहुँचने वाले इंसान का नाम आप सभी लोग जानते हैं, बार्थो लोमोडियास, ठीक है, क्या नाम है, बार्थो लोमोडियास। ओके, तो जिस टिप पर ये पहुंचता है अफ्रीका के, उसको हम बोलते हैं आशा अंतरीप, ठीक है, यानी इंग्लिश में इसको हम केप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष, यानी केप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं। जिस टिप पर, लास्ट पॉइंट पर ये पहुंचता है, उसका नाम रखा गया
आशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप। ओके, तो यहाँ ये लौट जाता है, इसको इंडिया की कोई नॉलेज नहीं मिलती है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, यहाँ से ढूंढता ढूंढता आता है और वापस रिटर्न लौट जाता है। ठीक है, अब फिर से एक आदमी आता है, इसी के रूट को पकड़ते हुए यहीं क्रॉस करते हुए आएगा और इसको यहाँ से क्रॉस करते हुए और उसको दिख जाता है भारत का रास्ता, यानी भारत के यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, भारत में जाने का रास्ता यहाँ इसे मिल जाता है। आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे, सन 1498 में आने वाला भारत के रास्ते की खोज करने वाला पहला आदमी जिसका नाम है वास्को डी गामा। ठीक है, क्या नाम है? वास्को डी गामा। ये कौन था? ये पहला ऐसा आदमी था जिसने दुनिया, मतलब ये दक्षिण अफ्रीका में बिल्कुल लास्ट टिप तक पहुंचा। ठीक है, और ये जो दूसरा आया, यानी ये इसने भारत में जाने का रास्ता खोज लिया। ठीक है, क्या खोज लिया? रास्ता। तो इसका नाम क्या था? ये आने वाला 1498 में आने वाला पहला व्यक्ति जिसने भारत का रास्ता खोजा, उसका नाम था वास्को डी गामा। आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, कई बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि वास्को डी गामा ने भारत को खोज निकाला। ये भाषा गलत है, ये गलत है। वास्को डी गामा ने भारत को नहीं खोजा है, बिकॉज भारत तो पहले भी अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन में था, आज भी है, कल भी रहेगा। भारत कोई खोजने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल गलत है ये भाषा। ये कह सकते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत का रास्ता खोज निकाला, ना कि भारत खोज डाला। ठीक है, आज से आप उठा के देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से भारत तो कितना पुराना है, हड़प्पा में आप देख लीजिए बहुत सी मौरें जो इस इलाके में मिली हुई है ना, तो बिजनेस व्यापार तो पहले भी होता था यहाँ पर। ठीक है, पहले भी विदेशी लोग व्यापार करते थे। यानी ये मान लीजिए आपकी 2350 से लेकर 1750 का सबसे मान्य काल रहा है हड़प्पा ईस्वी का, ईसा पूर्व में, तो इससे कैसे खोजा जा सकता है, ये तो पहले से ही है। ठीक है, तो ये बात गलत है कि भारत खोज लिया, भारत का रास्ता इसने खोज लिया था। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखना 1498 यानी कि 1498 में वास्को डी गामा यहाँ आया। अब देखना धीरे धीरे करके, यानी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 1498 में तो ये लोग आए हैं, 1500 के आसपास, 1503 या 1500 मान लीजिए, 1500 के आसपास तो ये कंपनी ला के खड़ा कर देंगे यहाँ। ठीक है, यानी ये आता है कालीकट के बंदरगाह पर। ठीक, कहाँ आता है? कालीकट के बंदरगाह। ठीक है, इसकी गुजराती एक आदमी है, गुजराती एक आदमी ने इसकी मदद की थी, तो उसको भारत का रास्ता बताया था और बहुत हेल्प की थी इसकी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि अब देखो 1500 के 1498 में आया, 1500 के आसपास, यानी 1503 है, वैसे तो दिया हुआ है कई बुक्स में 1503, यानी 1500 के समथिंग मान लीजिए आप, 1503 में ये ना केरल के कोचीन में इनकी कंपनी स्टार्ट हुई। केरल में है लेकिन उसका नाम है कोचीन, जगह का नाम है कोचीन, पूछ लिया जाता है तो उसका नाम है कोचीन, वहाँ ये अपनी कंपनी लाके खड़ा करेंगे। अच्छा, एक बात सुनिएगा, दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इन दिस टॉपिक, बिकॉज यहाँ ना जब ये वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली जब आया था ना, यानी सोचिए यहाँ से आया तो ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन को पार करेगा, यहाँ जहाज़, अगर यहाँ से जहाज़ लोड होता है तो पानी के थ्रू आएगा। ठीक है, फिर कोई लैंड एरिया, मतलब मैं एक मैप बना के समझाऊंगी आपको, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए इधर समझाती हूँ आपको। जैसे मान लीजिएगा कि ये मान लीजिए आप यूरोप है, ठीक है ये हमारा क्या था, सेकंड लार्जेस्ट क्या था, अफ्रीका। ओके, एंड यही हम क्या कर देते हैं, इस टाइप से इंडिया मान लीजिए, मैं ये इंडिया टच कर देते हैं यहीं। ओके, और ये जो पूरा एरिया है ना, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये जो सारा एरिया है ना, ये पूरा लैंड एरिया, यानी एशिया कवर करता है। ठीक है, ये पूरा लैंड एरिया है। ठीक है, यहाँ ये पानी भरा हुआ है, ये ना खाड़ी है, खाड़ी का मतलब समझते हो, जब लैंड एरिया से पानी बहुत नीचे की तरफ चला जाता है ना, उसको खाड़ी बोलते हैं। क्या है ये? खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ लैंड एरिया है पूरा, ये लैंड एरिया है पूरा। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ कालीकट के बंदरगाह पर पहुँचता है। ठीक है, अब क्या ना, ये यूरोप है ना, ये देखिए एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ से जहाज़ लोड होता है, देखिए यहाँ से जहाज़ या सिप्स जो भी हो,
यहाँ से लोड होता है। अब ये जो एरिया दिख रहा है आपको, थोड़ा चौड़ा सा है मेरा, यहाँ एकदम पतला सा है ये, इसको कहते हैं भूमध्य सागर। ठीक है, क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर। ये थोड़ा पतला है, मैंने थोड़ा क्या मोटा सा बना दिया गया है, इसको मेडिटेरियंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये है मेडिटेरियन एरिया को पार करेगा, ठीक है, पानी में। अब यहाँ ये लैंड एरिया आ जाएगा, फिर से जहाज़ उतारेगा, फिर जो भी उनका साधन होता होगा उस टाइम, जो भी व्हीकल्स चलते होंगे जैसे बैलगाड़ी वगैरह कुछ भी समझ लीजिए, उसमें सामान को लोड करेगा, फिर से लैंड। अब ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ लैंड एरिया आ गया। अब इधर ये जो दिख रहा है, इसकी सतह दिख रही है, ये ना रेड सागर यानी लाल सागर है, रेड ओसिन। ठीक है, लाल सागर ये इसकी जो लास्ट पॉइंट पर दिख रहा है, ये लाल सागर है इधर। फिर लैंड एरिया से लोड करेगा किसी सामान में, किसी भी व्हीकल्स में अपना सामान डालेगा, उसके बाद रेड ओसिन को क्रॉस करेगा यानी शिप में डालेगा सामान, फिर इधर से जाएगा, फिर लैंड एरिया पड़ेगा, फिर से ये पड़ेगा पानी। तो कितनी लंबी प्रोसेस है यार, कितना खर्चा होता होगा, कितना सामान लोड करना उठाना, कितना सामान टूटता फूटता होगा, यानी कितनी दिक्कतें आती होंगी ना। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, डायरेक्ट शिप से यहाँ लोड करो सामान और पानी के द्वारा यानी नौसेना के पानी के द्वारा, और अपने एशिया में एंट्री मार दी उन्हें। ठीक है, यहाँ से एंटर हो जाएंगे अंदर, सीधा रास्ता पकड़ा, मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ये पुर्तगाली बहुत चतुर था, सोचिए कितनी कितनी सोचने वाली बात है कि यहाँ से आने में यहाँ तक जितना कितना खर्चा होता होगा, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर खर्चा हुआ होगा। जितना उसने यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना उसका खर्चा लगा यानी जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ उसका, उसका 60 गुना ज़्यादा, कितना 60 गुना ज़्यादा वहाँ जाके मसालों से पैसा कमाया। क्या करने आए थे, केरल के एरिया में जो मसाले यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं, वहाँ सिर्फ मसालों के पर्पस से आए थे ये लोग। ठीक है, सिर्फ बिजनेस के तौर पर, लेकिन जम जाएंगे एकदम, थाक जमा लेंगे अपनी इंडिया में, देखते जाओ आप आगे। ठीक है, तो 60 गुना ज़्यादा यानी सोचिए आप कि 1 विजिट पर 60 टाइम पैसा कमाया, यानी यार ये तो एकदम अट्रैक्टिव वाली बात हो गई ना, एकदम कोई भी इंसान हो उसको एकदम अट्रैक्ट कर जाएगी ये बात कि देखिए 1 विजिट में 60 टाइम पैसा कमा लिया, 60 गुना ज़्यादा जितनी लागत लगी उसका 60% ज़्यादा इनमें मुनाफा हुआ। ठीक है, तो क्या किया, बिजनेस तो करना ही है ना फिर इंडिया में। ठीक है, अब आगे हम देख, ये जो जगह है ना, जैसे ये लाल सागर था तो यहाँ ना बैनिस लोग थे ना, वो कब्जा करे हुए बैठे थे, ये पहले से ही बैठे थे। और ये जो खाड़ी दिख रही है आपको, इधर का जो एरिया था ना, यहाँ फारस की खाड़ी है, आपने सुना हो फारस की खाड़ी। ठीक है, यहाँ कौन किस किन लोगों का राज चलता था, यहाँ मान लीजिए आप अरब एंड तुर्की। ठीक है, यहाँ अरब और तुर्की डेरा जमाए बैठे हुए थे, यहाँ बैनिसों का पहले से ही राज था। अब वो बाकी देश क्या करें, बाकी देशों को भी तो करना है व्यापार। ठीक है, तो वो क्या करें, अलग अलग देशों में तो जाएंगे ना, उनने सीधा रूट पकड़ा और डायरेक्ट आए यहाँ। क्या लास्ट टाइम पर जो मुगल्स वगैरह थे ना, उनने नौसेना पर ज़्यादा काम नहीं किया था, वो डायरेक्ट शिप ये वो क्या करते थे, उन जैसे लास्ट में बचे चेर पांडे चेर वगैरह, ये जो छोटे मोटे राजा, जो छोटे मोटे सुल्तान थे ना, इन लोगों ने हल्का फुल्का ये मान लीजिए नौसेना पर काम किया है। बाकी जो बड़े बड़े सुल्तान थे मुगल्स, उन लोगों ने नौसेना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और ये लोग ना नौसेना का यूज़ करते हुए और सीधा जल का रास्ता पकड़ते थे और डायरेक्ट एंटर। ओके, ठीक है, तो सीधे आ गए। अब धीरे धीरे ये पुर्तगाली जो है ना, वो धीरे धीरे सारे एरिया को कवर कर लेंगे। ठीक है, सारा एरिया ये कवर कर लेंगे, ये सारे एरिया पे इन्हें कब्जा कर लिया। अब इधर जब तुर्की ये लोग इन्हें क्या किया, मैं 3 नाम लिखूँगी, यहाँ देखिए आप, यहाँ ये केरल का इलाका आ जाएगा। ठीक है, दमनदीप वगैरह बॉम्बे, यहाँ मैं 3 नाम लिखने जा रही हूँ। पहला नाम, ये हिस्ट्री में बहुत ही जाने माने नाम है। ठीक है, तो पहला नाम मैं लिखने जा रही हूँ, आप सभी जानते होंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये जो नाम है ना, हिस्ट्री में कई जगह इसका नाम है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसने क्या किया ना, जब इनको यहाँ राज्य करना था ना, तो इसने ना सबसे पहले एक
शांत जल की नीति अपनाई। क्या अपनाई? शांत जल की नीति, जिसको इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, तो ठीक है ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब मैं बताती हूँ। देखिए ओके, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है ना, देखिए ये दिख रहा है आपको इंडिया का जो लास्ट ये बॉर्डर टाइप दिख रहा है यहाँ। इनने क्या किया कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या किया, ये जो इसका एरिया था ना, इसने सोचा कि अगर कोई बाहर का, जैसे ये व्यापार करने आए हैं तो सामने वाला भी तो सोचेगा हमें भी व्यापार करना है, ठीक है। इसने इस एरिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? ब्लॉक यानी रास्ता बंद कर दिया, एकदम ब्लॉक, यहाँ सागर है, ब्लॉक कर दिया। अब कोई भी सामने वाला आएगा और अगर अंदर एंटर करेगा तो इनकी परमिशन लेने की ज़रूरत है ना उसको, तो विदाउट परमिशन के तो ये जा ही नहीं सकते, तो परमिशन लेके अंदर घुसेंगे। परमिशन किसके लिए जाएगी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। तो इनने क्या करा कि ब्लॉक कर दिया इस रास्ते को, अब कोई भी इंसान अंदर आ ही नहीं सकता इनकी बिना अनुमति की, यानी इनकी धाक जमी हुई थी यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया पर इनकी धाक जमी हुई थी, ठीक है। इसने क्या कर दिया? रास्ते को ब्लॉक कर दिया। अब जब तक मतलब ये टिक पाएंगे, अच्छा खासा टिक पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने शांत जल की नीति को अपना लिया, ठीक है। अब एक और नाम लूँगी मैं आपको दूसरा, हिस्ट्री में इसका इनका नाम, इन तीन नाम बहुत अच्छे से आते हैं, दूसरा नाम लूँगी मैं अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, ठीक है। इनने और भी अच्छा काम किया, इनने क्या किया, वैसे कहा जाता है जो कंपनी थी ना, जो इन्होंने कोचिन में कंपनी बनाई थी, वैसे एक दो दल भी आए थे उसके बाद फिर ये आए थे, ठीक है। पहले तो वो 1498 में जो है रास्ता खोज निकाला था वास्को डी गामा ने, उसके बाद फिर दो तीन और आए, उसके बाद दो दल भी आए थे, इनकी कंपनी आई, फिर जो कंपनी बन चुकी थी ना, तो कंपनी का वैसे हिस्ट्री में वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो अल्बुकर्क को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है ये मैं बताती हूँ। अल्बुकर्क को इसलिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसने क्या किया था कि जो आदिल शाह थे ना, यानी जो लास्ट के जो सुल्तान बचे हुए थे ना हमारे भारत में, तो जो आदिल शाह थे ना, उनसे एक हिस्सा छीन लिया था जिसको आज की तारीख में हम गोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोवा। इसको इनने अपने कब्जे में कर लिया था। आप देखिए कि गोवा काफ़ी टाइम तक, यानी भारत जब आज़ाद हो गया था ना, तो उसके काफ़ी लंबे समय तक भी गोवा हमारा नहीं था, यानी ये मानिए आप कि 1961 में आया था ये हमारे पास गोवा, ठीक है। इंडिया के पास आज़ादी के बाद बहुत लंबे टाइम तक इसको ना छीनना पड़ा, हम लोगों को लड़ाइयाँ करनी पड़ी, मारपीट हुई, तब जाके ना ये गोवा हमारे कब्जे में आया हुआ था, ठीक है। ये यानी पुर्तगालों ने इतनी धाक जमा रखी थी अपनी, मुट्ठी भर पुर्तगाल ये बोलते थे कि इंडिया में हमारा एक अभिन्न हिस्सा है गोवा, और वो था भी उनका, इसको किस तरीके से हमने लिया है ये हम ही जानते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, अल्बुकर्क से ये कैसे भी करके और गोवा को अपने अंडर में कर लिया, ठीक है। तो गोवा अंडर में आ गया इनका, ओके। अब इसके बाद एक और नाम लिखूंगी मैं इसको, ये ना साउथ में कोई ऐसा ताकतवर राजा नहीं था, इसलिए कुछ भी कोई भी नीति अपना के इन्हने अपने एरिया में इसको कर लिया, ठीक है। एक और इसने बहुत ही अच्छा काम किया था, इसने ना ये सती प्रथा, आप जानते हो सती प्रथा, इसने सती प्रथा पर ना बैन लगा दी थी। सती प्रथा पे क्या लगा दी? बैन। अब ये ध्यान से सुनना कि सती प्रथा पर जो बैन लगी हुई थी ना, वो हमारे फायदे के लिए नहीं थी, ये इनके फायदे के लिए थी। किसके फायदे के लिए थी? ये पुर्तगालियों के फायदे के लिए थी। ये सती प्रथा पर बैन लगना इंडियंस लोगों के फायदे के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? जब ये सती प्रथा को बैन करेंगे, यानी सोचिए अगर ये सती प्रथा पर बैन नहीं लगाते हैं तो इंडियंस लोग पुर्तगालियों से शादी क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब सती प्रथा पर बैन लगाएंगे, इनका राजपाट चल रहा है, इनने सारे एरिया हड़प लिए हैं, ठीक है। अब ये सती प्रथा पर बैन लगाएंगे तो जो भी जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, यानी जिनके पति एक्सपायर हो जाते थे, वो उन औरतों से ये लोग पुर्तगाली शादी कर लेते थे, जिसके कारण आबादी बढ़ेगी, और आबादी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि सारे एरियाज में ये दिखेंगे, ठीक है, इनकी डाक जम जाएगी, और भी ज़्यादा मेजोरिटी की संख्या में ये लोग यहाँ बस जाएंगे, ठीक है। तो कितनी बड़ी चाल थी ना, सती प्रथा को बंद कर दिया, उन सती प्रथा से जिसके हस्बैंड एक्सपायर होंगे उनसे ये शादी करेंगे और इनकी आबादी बढ़ेगी तो ये और फैल जाएंगे, ठीक है। तो इसने सती प्रथा पर बैन लगाई, ठीक है। आगे हम देखेंगे एक और नाम, बहुत ही ये एक और नाम लिया जाता है हिस्ट्री में, जिसका नाम है नूना डी कून्हा,
ठीक है, नूना भी लिखा हुआ है कहीं कहीं हिस्ट्री में, नूना डी कूना। इनने और भी शानदार काम किया, इनने क्या किया, जो गोवा का एरिया जो आदिल शाह से छीना गया था ना, अल्बुकर्क ने छीना था, उसको नूना डी कूना ने अपनी कैपिटल बना ली, ठीक है, राजधानी बना के खड़ा कर दिया, किसको, गोवा को, यानी अब तो प्रॉपर तरीके से उनका गोवा हो चुका है, ठीक है। तो इसने क्या किया, उसको अपनी राजधानी बना ली, किसको, गोवा को। अब धीरे धीरे करके इनने क्या किया, इन्होंने ना दमन और द्वीप का जो हिस्सा है ना, जो आज गुजरात में आते हैं, ठीक है, तो दमन और द्वीप है ना वो, जो कि पूरी तरह से पानी में है, तो ये मानिए कि इन्होंने द्वीप को 1535 में, यानी ये मान लीजिए 1535 में तो इन लोगों ने द्वीप को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद मगर 24 सालों के अंदर इन्होंने ना दमन को भी अपने अंडर में कर लिया, सन 1559, ठीक है, ये दमन और द्वीप दोनों इनके अंडर में हो गए। अब सोचिए आप कि गोवा इनके अंडर में है, ठीक है, गोवा इनके अंडर में हो चुका, दमन द्वीप इनके अंडर में और बॉम्बे इनके अंडर में, ठीक है। अब बम्बई जो था ना वो इनके कब्जे में हो गया था। अब क्या हुआ, मैं एक नाम लिखूंगी आपको, पी, एक मिनट को इधर करती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, एक नाम लिखते हैं, पी डी ई डी एफ। ये हिस्ट्री में ना इसका मतलब है, जैसे ये मैंने आपको पढ़ाया पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच आएंगे, उसका ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ठीक है, ये इसको इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में ना इसका बड़ा नाम है कि ये आप जानते हैं डच यानी जो लोग आज जिसको हम ना हॉलैंड के नाम से जानते हैं ना, वो ही डच है, स्पेन के अंडर में था ये पहले। तो क्या हुआ ना कि पुर्तगाली तो थे ही, ठीक है, अब डच लोग जब आए ना तो पुर्तगालियों को पता चल गया भाई डच आ गए। डच भी बहुत ताकतवर थे, पुर्तगाली भी ताकतवर थे, लेकिन डच भी कम ताकतवर नहीं थे, ठीक है। जब डच आएंगे ना तो अब ये भी एंट्री करेंगे अंदर, ये जब भारत में आएंगे तो जो पहले बैठा हुआ है वो कुछ तो करेगा। तो इसने ना दिमाग लगाया, ये बहुत माइंडेड थे पुर्तगाली, माइंडेड कैसे मैं बताती हूँ। इसने क्या किया कि इसने सोचा कि हम तो यहाँ हैं, अब ये आ चुके हैं तो ये ना सामान हड़पेगा हमारा, ठीक है, जितनी भी टेरिटरीज जो हैं वो सब इनके कब्जे में चली जाएंगी, धीरे धीरे करके ये भी अपना ना साम्राज्य स्थापित करने लगे यहाँ पर। तो हुआ क्या, इसने एक चाल चली, किसने, पुर्तगालियों ने एक चाल चली। पुर्तगालियों की एक बेटी थी कैथरीन, जिसका विवाह उन्होंने ब्रिटेन के एक राजा के पोते से करवा दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, जब ये डच लोग आ गए तब की प्रोसेस है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हमारा इंडिया में एक बॉम्बे, एक हमारी टेरिटरीज है, मतलब हमारा एक एरिया है, तो उसको ना हम दहेज में दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब दहेज में कौन दे रहा है, पुर्तगाली दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ब्रिटेन के राजा के पोते की शादी में। देखिए, दो देश आपस में शादी ब्याह हो रहे हैं, दो देशों में आपस में शगाइयाँ शादी ब्याह चल रहे हैं, और दहेज में क्या दिया जा रहा है, हमारा इंडिया का हिस्सा, मतलब हम बैठे बैठे देख रहे हैं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, यानी पता चलता है इससे हमारी उस टाइम पर कोई वैल्यू ही नहीं थी, शादी ब्याह वहाँ हो रहे हैं और दहेज में हमारा पार्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसने बोला कि हम क्या करेंगे, तो चलो आप तो ले लीजिएगा, एक साल में 10 पाउंड दे देना, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। तो किसको दे दिया, ब्रिटेन के राजा की शादी में, ठीक है, ब्रिटेन के राजा के पोते की शादी में दे दिया। अब क्या हुआ, डच लोग पहले से समझ गए, डच लोग समझ गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी आने वाली है, ठीक है। जब ये लोग आए ना तो डच धीरे से खिसक गए। डच के जाने का एक और कारण था, क्योंकि डच लोगों ने इतना फोकस इंडिया पे नहीं किया जितना इंडोनेशिया पे किया, बिकॉज दैट, क्योंकि ये ना मसाले ज़्यादा बहुतायत में इंडोनेशिया में ज़्यादा थे, ठीक है। तो उन लोगों को क्या बिजनेस करना था, ज़्यादा इनका यहाँ इंडिया में टिकने का कोई टारगेट नहीं था, तो इन लोगों का सिर्फ एक ही था कि हमें बिजनेस करना है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या बिजनेस किया, कहाँ गए ये लोग, इंडोनेशिया में चल दिए। और फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये जो कंपनी थी ना वो प्राइवेट सेक्टर की थी और ये इंडियन सेक्टर, वो गवर्नमेंट सेक्टर थी। तो हम लोगों के दिमाग में ये रहे, प्राइवेट सेक्टर के लोग क्या करते हैं, एकदम काम निकलवा लेते हैं तब जाके सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में मेहनत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट जॉब, हम सारे इंडियंस लोगों के माइंड में ये बात अच्छे से भरी पड़ी है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए बाकी कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो यही पहले भी हुआ होगा, एक कारण ये भी हो सकता है ये पहले भी हुआ होगा, ओके। तो
दूसरी बात ये थी, तो ये खिसक गए। अब कौन आएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत ही लंबे टाइम पर भारत पर राज करेगी, 300 साल राज करेगी। ये एकदम फैल गए, टिक गए, इंडिया से ना भगाया गया, एकदम जम के रह गए। तो अब हम लास्ट में, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिसकी वीडियो, जिसको मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इनका टारगेट जो है बिल्कुल इंडिया में जमने का था, तो इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।